Once again, welcome back to my YouTube channel. तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ चुके हो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में अनअकैडमी के साथ क्या चल रहा है, क्यों सारे टीचर्स अनअकैडमी को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा या आप सबने अंशुल सर की वो पोस्ट देखी होगी, रिसेंटली उन्होंने अनअकैडमी को छोड़ा। एंड सिर्फ अंशुल अग्रवाल सर ने नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स जिनका रिकमेंडेशन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिया था, जैसे कि तेजस सूचक सर, मोनीश्वरा सर, प्रणव पोपट सर, ये सारे टीचर्स भी अनअकैडमी को छोड़ चुके हैं। और इन सारे टीचर्स ने अनअकैडमी को सिर्फ छोड़ा नहीं, दोनों सारे टीचर्स हमारे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। दोनों ने अपना अलग अलग क्लासेस स्टार्ट कर लिए सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा आखिर में ऐसा क्या हुआ अनअकैडमी का, एकदम से क्या उनकी पॉलिसी में चेंज आया कि सारे टीचर्स ने एक साथ ही अनअकैडमी को छोड़ दिया। एंड आपके साथ मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अनअकैडमी के साथ एज एन एजुकेटर काम किया है, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि सब में सबसे ज्यादा लॉस किसी का हुआ है, वो हुआ है स्टूडेंट्स का। बट डेफिनेटली ये टीचर्स अगर अनअकैडमी को छोड़ के गए हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये लोग यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे हैं जिसको फॉलो करके आप आराम से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मेरा अनअकैडमी के साथ क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से। मैंने अनअकैडमी से क्लासेस ली थी अपने सीए इंटर के लिए, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी। मेरे सीए इंटर का अटेम्प्ट था मेन 2022 एंड क्लासेस काफी अच्छी थी। मैंने मतलब उनकी क्लासेस की हेल्प से काफी कम कॉस्ट में अपने इंटर को क्लियर कर लिया था। जहां बच्चे एक एक दो दो लाख रुपए अपने सिर्फ सी इंटर की कोचिंग के लिए स्पेंड करते हैं, वहीं मैंने 18,000 में अपने इंटर के बोथ ग्रुप को क्लियर किया। मैंने बोथ ग्रुप दिए, मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, सेकेंड रह गया था, सेकेंड मैंने फिर से सेल्फ स्टडी की हेल्प से नवंबर में क्लियर कर लिया। तो दिस वॉज माई जर्नी विद अनअकैडमी एज एन स्टूडेंट। बट जब मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हुई, मैंने अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, आर्टिकलशिप से रिलेटेड मैंने वीडियोज यूट्यूब पे डालना शुरू किया, तो अनअकैडमी का मेरे पास एक ऑफर आया कि आप हमारे साथ काम करोगे एज एन एजुकेटर। तो मैंने उनका वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया था, मैं आर्टिकलशिप मेरी जस्ट स्टार्ट हुई थी एंड इट वॉज सेकेंड मंथ। तो जब मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया, तब बाद में सेकेंड मंथ में, फर्स्ट ही सेकेंड मंथ में मेरा क्लाइंट चेंज हो गया। मैंने अपनी ऑडिट में आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी एंड वहां पे क्या था कि वहां पे सैटरडे भी ऑफ नहीं मिलता था, और मेरा अनअकैडमी के साथ कॉन्टैक्ट था कि मुझे उनको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हर मंथ में देने हैं उनके प्लेटफॉर्म पे एंड यूट्यूब चैनल पे वीडियोज बनानी है। तो तीन महीने मैंने काफी ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग के दो महीने तो मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया दोनों चीजें मैनेज करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ संडे होते थे एंड कभी कभी तो होता था संडे को भी आपको काम करना है, तो उस समय मेरे को संडे को काम भी करना है, अपने क्लासेस वॉच आवर्स भी मैनेज करने हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दो महीने तीन महीने उनके साथ काम किए, अपने वॉच आवर पूरे किए। वो टाइम ऐसा था ना तो मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि ना तो मैं उतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट दे पा रही थी, उतनी क्रिएटिविटी मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दोनों के बीच में स्ट्रगल कर रही थी टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक है। बट फिर भी मैंने जितना मैं मैनेज कर सकती थी मैंने उनको कंटेंट दिया। बस उनके साथ ये था, जब मैंने उनके साथ काम किया कि डेली कोई नया प्रमोशन, नया ऑफर आता था, जो आई थिंक इट्स ओके उनके कॉन्ट्रैक्ट में था, आपको डेली कोई वीडियो बनानी है, आप ऑफिस में हो एंड वो मैसेज कर रहे हैं कि आपको ये पोस्ट डालनी है, आपको ये वीडियो बनानी है, आपको वीडियो बना के डालो, प्रमोशन करो, रीच लाओ एंड नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, नया सब्सक्रिप्शन लाओ। तो वो डेली थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए कि मतलब मैं चीजें कैसे मैनेज करूँ। तो ऐसा हुआ, मैंने अपने पहले दो महीने कैसे स्ट्रगल कर करके मैनेज किया। बट जब थर्ड मंथ आया तो उसमें क्या हुआ कि अनअकैडमी की साइड से ऑलरेडी मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था दो महीने में कि आपका अभी तक मतलब किसी बच्चे ने आपके कोड को यूज नहीं किया, कोई बच्चा नहीं लाया, आपने मतलब कुछ करो, रिवेन्यू जनरेट करो। तो ये सारा प्रेशर अनअकैडमी का था। तो उसके लिए मैंने थर्ड महीने में अपनी पूरी अच्छे से प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि दो महीना स्ट्रगल करके मुझे चीजें थोड़ी फिगर आउट हो गई थी कि मुझे चीजें कैसे मैनेज करनी है। बट जब थर्ड मंथ आया तो क्या हुआ, अनअकैडमी ने मेरा जो एक्सेस था उनके प्लेटफॉर्म से वो रिवोक कर लिया। मतलब मैंने अनअकैडमी के साथ कॉन्टैक्ट साइन किया था 27 जैन को तो मुझे उनके प्लेटफॉर्म पे एक्सेस मिला था 27 जैन से, जो तीन महीने के अकॉर्डिंग 27 अप्रैल को एंड होना चाहिए था। यानी कि मेरे पास 27 अप्रैल तक का टाइम था अपने थर्ड महीने के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। बट अनअकैडमी ने क्या किया, मुझे बिना बताए, मुझसे बिना डिस्कस करे 7th या 8th को ही मेरा एक्सेस जो था उनके प्लेटफॉर्म से वो
रिवोक कर लिया। अब मैं उनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, जो कंटेंट मैंने सोचा था मैं डिलीवर करूंगी लास्ट मंथ में अच्छे से करूंगी, जो मैं पहले 2 महीने नहीं कर पाई। बट जब मैंने उनकी टीम से बात की या कुछ भी बात की, तो उन्होंने बोला कि मैम अब नहीं हो सकता, वो हमारी साइड से ग्लिच है, ये वो करके उन्होंने चीजें टाल दी। एंड इवेंचुअली 3rd मंथ आप उनको कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाए। मैंने बहुत बात करने की कोशिश करी बट कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली ये हुआ क्यों, क्योंकि 2 महीने में आप उतना अच्छा नहीं कर पाए या उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने 3rd महीने में आपसे बिना पूछे एक्सेस रिवोक कर लिया, ताकि 3rd मंथ की पेमेंट उनको आपको ना करना पड़े। तो ये हुआ था एक्चुअली में। बाकी मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था, उसकी वजह से मैंने काफी सारी चीजें सीखी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना एंड एडिटिंग वीडियो में, और क्या क्या चीजें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, काफी क्रिएटिव चीजें सीखी मैंने। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कुछ ऐसा था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा नहीं था। मैं कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि दिस वॉज इट, एंड रीजन उन्होंने रिवोक क्यों किया था मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था अनअकैडमी के साथ एज एन एजुकेटर। उसके बाद मैंने अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं अनअकैडमी के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका थोड़ा सा होता था कि आपको मतलब डेली प्रमोशन करना है, डेली पोस्ट डालना है, आपको प्रमोशन वीडियोस आनी है। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था चीजें मैनेज करना, मतलब मेरा कंटेंट भी अच्छा नहीं था, मेरी क्रिएटिविटी भी कम हो गई थी, एंड उतने अच्छे आइडियाज भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी वो प्रेशर की वजह से, कि आपको कंटेंट देना है, इतना नंबर ऑफ कंटेंट देना है, इतना नंबर ऑफ कंटेंट। तो ठीक है, उसके बाद मैंने अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू नहीं किया। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद अनअकैडमी एज एन एजुकेटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सारे टीचर्स अनअकैडमी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि अनअकैडमी ने रिसेंटली अगस्त में ही अपनी पॉलिसी में चेंज लाया कि अगर कोई भी एजुकेटर अनअकैडमी के साथ काम कर रहा है, तो वो किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, ना ही अकेडमिक ना ही नॉन अकेडमिक, कोई भी कंटेंट, किसी भी तरह का कंटेंट नहीं डाल सकता। और यानी कि अगर मैं अनअकैडमी के साथ एज एन एजुकेटर अभी काम कर रही होती, तो मैं ना ही उनके मतलब ना ही अपने यूट्यूब चैनल पे, ना ही किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी, किसी भी तरह का कंटेंट बिहाइंड द सीन्स कुछ भी नहीं डाल सकती। तो दिस वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से सारे टीचर्स अनअकैडमी को एक के बाद एक के बाद एक छोड़ के गए। क्योंकि जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी मेहनत करते हो, आपका फेम बनता है, आपको लगता है कि मुझे बच्चों के साथ और भी बातें शेयर करनी है अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक कंटेंट, बट आप वो सब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकते। क्योंकि जब मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, उनकी काफी सारी गाइडलाइंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि आप कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते, ये सारे वर्ड्स का यूज क्लास में नहीं कर सकते, तो वो सारी बातों का आपको ध्यान करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप वो सारी चीजें उनके यूट्यूब चैनल पे नहीं शेयर कर सकते। तो दिस वॉज अ मेन रीजन जिसकी वजह से सारे टीचर्स मोस्टली अनअकैडमी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बट मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आपने अनअकैडमी की फीस पे करी थी उन टीचर्स के लिए, आपके पास उन टीचर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके अलावा वो टीचर्स कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप उनको फॉलो करो, कॉन्स्टेंटली वो आपको अपडेट दे रहे हैं, एंड उनसे उनके साथ कनेक्टेड रहो, एंड अपना रिकॉर्डेड बैच से या क्लासेस से अपना कोर्स कंप्लीट करो। क्योंकि अभी आपकी प्रायोरिटी आपके एग्जाम, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ किसी भी टीचर के बीच में, किसी भी प्लेटफॉर्म के बीच में, आपको अपना लॉस नहीं करना। क्योंकि मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ टीचर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस देखी थी, वो टीचर्स छोड़ के चले गए थे बीच में, तो उस केस में आपको रोना नहीं है इधर उधर, क्योंकि मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे थे कि वो कमेंट कर रहे थे। आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्डेड बैच से ही सब पूरा करना है, क्योंकि अमेंडमेंट्स अपडेट्स कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे आपको हर जगह अवेलेबल हो रही है, वो टीचर्स भी करा रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो आप बहुत आराम से अपनी अनअकैडमी की फीस अगर आपने पे कर दिया, तो वहां पे अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अनअकैडमी के साथ काम किया है या नहीं किया, तो आप अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी CA इंटरमीडिएट 360, अनअकैडमी CA फाउंडेशन 360 पे जाओगे, तो मार्च एंड अप्रैल में एंड जैन में फेब में आपको मेरा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा लाइव स्ट्रीम करते हुए। मैंने अनअकैडमी के साथ काम किया है, एंड इसके साथ मुझे उनसे पेन टैब भी मिला था, मतलब पेन टैब टी शर्ट, एंड वो शॉर्ट भी मैंने आप सबके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया था। तो ये सब चीजें मैंने बहुत संभाल के रखी है। तो आई होप आपको अब मेरी बात पे यकीन हो जाएगा, आप सब वो जाके चेक करोगे तो आपको वो सब चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा मैं डिस्प्ले भी कर दूंगी। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, इधर उधर कहीं फोकस नहीं करना, टीचर से कनेक्टेड रहो और रिकॉर्डेड बैच से क्लासेस से कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने खुद किया था तो आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।